दो बीघा जमीन को लेकर बेटे ने अपने पिता को गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर परिवारी जन और ग्रामीण लाठी डंडा लेकर दौड़े तो वह वहां से भाग निकला। आनंद फानन घायलों को परिवारी जन पहले CHC फिर जिला अस्पताल ले गए, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। यह मामला सिधौली कोतवाली इलाके के रायगंज मजरा कीर्तापुर का है। आपको बता दें कि रायगंज मजरा कीर्तापुर निवासी 65 वर्षीय लाले पुत्र घोरू का बड़ा बेटा विनोद पिछले कुछ समय से 2 बीघा जमीन जोतते आ रहा है। कुछ रोज पहले पिता लाले ने उसे वह जमीन लेकर अपने छोटे बेटे राजकुमार को दे दी। इससे विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खेत में काम करने के बाद बुधवार देर रात जब विनोद घर आया तो घर पर आकर गाली गलौज करने लगा एवं माता तथा पिता को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर जब पिता लाले बेटे विनोद को समझाने के लिए पास पहुंचा, पहले से गुस्से में आग बबूला बैठे विनोद ने जेब से अवैध 315 बोर का तमंचा निकालकर अपने पिता को गोली मार दी, जिसे लाले लहूलुहान हो गया। गोली की आवाज सुनकर परिवारी जन और ग्रामीण इकट्ठा होने लगे। यह देखकर आरोपी विनोद वहां से भाग गया। परिवारजनों ने पुलिस की सहायता से घायल लाले को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना के बाद घायल लाले की पत्नी लल्ली ने घटना की पूरी जानकारी दी। दुल्हन कबू ने जाते दुल्हन खाना ले जाओ, तब गुस्सा घुमा दे कर ले जाओ, नहीं तुम्हारा खाना खाओ बम्बा गिरवा डाले। अब वो हुआ गवा तो कहीं से बहुत बरबराती को तुमका मार दे रहा, तो हम कह मार तुमसे तो रोज को हाथ मार दे रहा। ये किसने कहा? वो है लमड़ा विनोद, आपका बेटा है। हाँ। फिर क्या हुआ? तुम मार दे रहा, तुम कह मारे रोज को हाथ में, और तुम हमका मार दे कहा था तो गरी आवे लाल हमका, तो हम कह गरी है तो तुमका मारे डाल गरी आवत है तो सही उठ पड़े कहीं कहे तू कहे गरी आवे तू गरी उठते रहते हैं तो कहीं से आओ आज तुम बड़ी बच्चे ठा रहे हैं मार दे रहा और यू चस गए कहीं ले मार दे रहा मारे हैं हमका तेरे कहा बिगाड़े तो मार दे और झाड़ दे मार दे तसी गिर गई। क्या मारा है? असल हाँ मारे से गोली मारी है। हाँ गोली मारे से झाड़ भरे तो हम कहा गए छिदी से तबरे से तो हमारे जेठानी आ गए हम कहा छिले गए हमारे जेठानी। आपके बेटे ने आपके पति को मारा है? हाँ, गोली हमारा बड़कावा बेटा हमारे पति को मारा है। अच्छा, उसके बाद फिर भाग गया? फिर भाग गवा जब घर वाले दौड़े, उम्र जेठ वो था बड़े वाले जाठ लाठी लेके जब दौड़े पितेउत जाठाए और तब लेके लाठी दौड़े तो का पता ही नहीं लाकर लौंडे के सुवत रहे घर में लौंडे गरियावत रहे तो लौंडे बंद कर ली ना के माड़ा पहुर रहे। क्या वो नशे में था? अभी वो ना जाने नशे में रहा कहाँ रहा ख्यात आवा रहा। थाना प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर गोली चलाने की घटना सामने आई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और साहब बम्बा सब लड़का बिगाड़ देना है तो लड़कन का बब्बा जैसे पानी पिए हम गांव के बाहर रहे थे तो बड़बड़े भी नहीं तो ये बूढ़ा रहे बड़बड़ाती यूँ हुआ क्या भाई बैल बंद है वहाँ खबरे जगह उनके बूढ़क नहीं लिखी है थोड़ी एक बीघा तो कुछ मार हवा न थी तो वो बूढ़क लग गरिया तो हम कहें चले पागल हो गए कहा तो हमको गरिया लग तो हो थे मार दे और जैसे इतना कहें तो समाज नहीं झड़क में बोली कल तुमको ही बहुत अड़ी मंत्री पहले। अरे लड़का कहाँ पकड़ा गया भी नहीं? हाँ भाई काम भाग गौर है कैसे तुम्हारे हो चाहे गाँव में हो अब उतरे चले हमारे गोली लग गया हमको कुछ दिखा भी नहीं कर सब हमारे खून पासी पासी रावत रावत नहीं कौन सा गाँव मानव पास रायगंज है। रायगंज रायगंज लड़के का नाम क्या है? विनोद। उम्र कितनी होगी लड़के की? उम्र हो 40 साल। IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है।
अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।